Hello guys, my name is Viren Singh. Welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video I am going to discuss about the various CSIR previous year problems related to the population genetics. Let's see one by one those questions. You can follow me on Unacademy for various class notes and various test series, and you can follow me for various lectures. You can join my Facebook group for further updates. Question asked in CSIR paper 2016 June, ठीक है, 2016 जून के पेपर में CSIR में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136, जिसमें क्या पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड टाइप्स इन पॉपुलेशन ऑफ 6129 इंडिविजुअल्स इज एज फॉलोज, ठीक है. उन्होंने 6129 इंडिविजुअल्स है, उनका जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है पॉपुलेशन का वो दिया गया है नीचे. एम ब्लड टाइप का जो जीनोटाइप है LM है, ठीक है. नंबर ऑफ इंडिविजुअल 787. MN दिया है जिसकी जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स दी है LM and LN है. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 3039 है, ठीक है. एंड N जो ब्लड टाइप है उसका जो है LN है, ठीक है. जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो 1303 है, फाइन. दे आस्क्ड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ LN एलील, ठीक है. LN एलील के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ठीक है. तो हम देखते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें क्या था, CSIR 2016 का सोल्यूशन है कि इसमें क्या है कि आपको ब्लड टाइप दिया हुआ था, उसके जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक दी हुई थी और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिए हुए थे, ठीक है. तो आपको क्या करना है कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में जिसमें कि आपको एलेलिक फ्रिक्वेंसी निकालनी हो, उसमें आपको पहला स्टेप होना चाहिए आप जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी निकालें. आप जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी निकालें, दैट इज़ p² 2pq and q² p² फॉर द डोमिनेंट होमोजाइगस, 2pq फॉर द हेट्रोजाइगस एंड q² फॉर द डोमिनेंट फॉर द रिसेसिव होमोजाइगस, ठीक है. तो p² क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि क्या था 6129. आप कैलकुलेट करेंगे तो p² की वैल्यू क्या आएगी, 0.291, ठीक है. सिमिलर वे में आप 2pq कैलकुलेट करिए, 3039 डिवाइडेड बाई 6129 यू विल गेट 0.496. q² कैलकुलेट करिए उसी वे में, 1303 डिवाइडेड बाई 6129 दैट इज 0.213, ठीक है. दिस इज द जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी p² 2pq and q². मैं फॉर्मूला बताया था पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी एलील, दैट कि अगर आपको डोमिनेंट एलील का पूछ रहा है तो फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस, ठीक है, और उसके बाद हाफ ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगस. सिमिलर वे में फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील का पूछे तो उसमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव होमोजाइगस प्लस हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगस, ठीक है. तो फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, फ्रिक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव क्या है यहाँ पे, 0.213 दैट इज q², ठीक है, प्लस हाफ ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, 2pq का हाफ, 0.496 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज, वो कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा, 0.248, ठीक है. आप ऐड करिए, ऐड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, जब आप 0.248 ऐड करेंगे और 0.213 ऐड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.461, ठीक है, 0.461. इस हिसाब से आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए क्या, जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना, ठीक है. जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी जस्ट जितना नंबर हो और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइड करेंगे तो जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएंगे, उसके बाद आप फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील को कैलकुलेट करिए, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द CSIR 2015, ठीक है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है
इसमें क्या पूछा गया कि इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी वीनबर्ग इक्विबेरियम, इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी वीनबर्ग इक्विबेरियम द जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसीज एफ ए वन ए वन, ठीक है, 0.59, एफ ए वन ए टू इज 0.16 एंड एफ ए टू ए टू इज 0.25। यहाँ पे इन्होंने स्मॉल ए कैपिटल ए के फॉर्म में ना देखे ए वन ए वन या ए वन ए टू के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वन ए टू इज द हेट्रोजाइगस एंड ए वन ए वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट ले लीजिए या होमोजाइगस रिसेसिव ले लीजिए, बट इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो आप क्या लोगे इसको, होमोजाइगस डोमिनेंट और एफ ए टू ए टू इज होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। देन इन्होंने पूछा क्या इस क्वेश्चन में, व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द टू एलील एट दिस लोकस, व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द टू एलील एट दिस लोकस, ठीक है। सो लेट सी द सोल्यूशन कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सी एस आई आर 2015 में पूछा गया, फ्रिक्वेंसीज दी हुई थी आपको, ठीक है, फ्रिक्वेंसीज दी हुई है, एफ ए वन ए वन का दिया हुआ है, ठीक है, एफ ए वन ए वन का दिया हुआ है, एफ ए वन ए टू का दिया हुआ है हेट्रोजाइगस, एफ ए टू का भी दिया हुआ है, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव। क्यों प्रीवियस की तरह क्वेश्चन था, उसमें क्या था पहले, ये ए वन ए वन क्या है आपका, सारे के सारे जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसीज है, ये डोमिनेटिंग के लिए है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज द पी स्क्वायर, ठीक है, ये पी स्क्वायर है, ये टू पी क्यू है, ठीक है, और ये क्या है 0.25, इट इज़ अ क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं क्या कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट ए वन, फ्रिक्वेंसी ऑफ द ए वन, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वन क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वन ए वन डोमिनेंट टाइप प्लस हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगस, हाफ ऑफ द ए वन ए टू, क्लियर है। अगर ए टू की बात करें तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ए टू रिसेसिव होमोजाइगस प्लस हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगस, क्लियर है। तो होमोजाइगस का क्या दिया हुआ था 0.59 प्लस हेटोजाइगस का 0.16 डिवाइडेड बाई 2, इसका हो जाएगा 0.08। जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.67। और नेक्स्ट में क्या है कि आपका जो A2 है उसका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 0.25 और 0.16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.08। ऐड करिए 0.25 से यू विल गेट 0.33, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आपको पहले फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जीनोटिपिक, पी स्क्वायर टू पी क्यू एंड क्यू स्क्वायर, उसके बाद आप कैलकुलेशन पे जाएंगे किसके, एलेलिक फ्रिक्वेंसी के, जिसमें कि जो फॉर्मूला होगा कि अगर डोमिनेंट एलील की बात करेंगे तो आप डोमिनेंट जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी प्लस हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगस, अगर रिसेसिव एलील की बात करेंगे तो रिसेसिव होमोजाइगस की फ्रिक्वेंसी प्लस हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस थे CSIR 16 और CSIR 2015 की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे CSIR 14 और 13 में कैसे क्वेश्चंस आए थे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप डायरेक्ट मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।